आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपने अपना कैरियर शुरू किया आर्ट सिनेमा से, ऑफबीट फिल्म से, उसके बाद में आप कमर्शियल सिनेमा में आए, ये कैसे हुआ? मेरे लिए कोई सिनेमा भी आर्ट सिनेमा या कमर्शियल सिनेमा नहीं है। सिनेमा सिनेमा होता है, फ़र्क होता है प्रस्थान बिंदु का। मैंने अक्सर कहा है कि किस मकसद से वो फिल्म बनाई जाती है। अगर उसका मकसद होता है कोई मैसेज देना, कोई उसके जरिए बात कहना या अपने किसी अनुभव को एक्सपीरियंस करना इस माध्यम के जरिए, तो उसमें कलात्मकता ज़्यादा होती है। और यदि मकसद ये हो कि उससे एंटरटेन किया जाए, उससे मनोरंजन किया जाए, चाहे मनोरंजन के जरिए भी कोई बात कही जा सकती है, फिर भी उसमें व्यावसायिकता का, उसमें कमर्शियलिज्म का ख्याल रखना पड़ता है। तो मेरी बनाई हुई फिल्मों के मकसद जिस तरह के रहे हैं, उस तरह के फिल्म का जो है दृष्टिकोण रहा है, और फिल्म कलात्मक हुई है या फिल्म थोड़ी व्यावसायिक हुई है। तो आपका जो प्रश्न था कि मैं कलात्मक फिल्मों से व्यावसायिक फिल्मों की तरफ आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पहली फिल्म हिप्पी भूरे जो थी, वो भी दोनों ही मापदंड को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। और अभी आखिरी फिल्म जो रिलीज़ हुई है मृत्युदंड, वो भी इन दोनों ही मापदंडों को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई फिल्म है। आजकल पब्लिक का जो नज़रिया है थोड़ा बदल रहा है, जैसे ऑफबीट फिल्म सत्या, हैदराबाद ब्लूज़ ने यह साबित किया है कि लोग उस तरह की फिल्में भी ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग हमेशा अच्छी फिल्मों को, अच्छी कहानियों को पसंद करेंगे ही। सत्या या हैदराबाद ब्लूज़ या ऐसी जिन फिल्मों की आप बात कर रहे हैं, उनमें निश्चय ही बात को एक नए अच्छे तरीके से कहने की कोशिश की गई है, जो लोगों तक पहुंची है और लोग उसे पसंद करते हैं, लोगों के जहन में वो बात बैठती है, इसलिए वो पसंद की जाती है। फिल्म अगर चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी व्यावसायिक हो, कितनी भी मनोरंजक हो, अगर उसकी कहानी यानी उसकी आत्मा ठीक नहीं रहेगी तो वो पसंद नहीं की जाएगी। आपकी बनाई हुई फिल्म बंदिश उतनी सफल नहीं रही, मगर मृत्युदंड को लोगों ने काफ़ी पसंद किया और प्रोत्साहन दिया, इसके बारे में आपको क्या कहना? और जाहिर है बंदिश की कहानी या बंदिश जिस तरह से बनाई गई थी, वो लोगों के दिलो दिमाग को किसी तरह से उद्वेलित नहीं कर पाई, जबकि मृत्युदंड में जिस तरह का सामंजस्य, जिस तरह की कथा, जिस तरह की स्टाइल का उपयोग हुआ था, वो लोगों को पसंद आया। उसके जरिए जो बात कहनी थी वो लोगों के जहन में उतरी और लोगों ने उसे पसंद किया, क्रिटिक्स ने भी, और मेरा ख्याल है लोगों ने भी बहुत सराहा उसे, और हम सब के लिए ये सफलता की बात है। मृत्युदंड के बाद आपके और कौन सी फिल्म आ रही? इन दिनों में एक दो कथानक, एक दो स्टोरीज पे काम कर रहा हूँ, जिसमें कि व्यावसायिक और कलात्मक दोनों ही बातों को नज़र में रखा गया है, और जल्दी ही इसके बारे में चर्चा होगी। मैं अभी इसके बारे में बात नहीं कर सकता। आर्ट सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा जो कहते हैं लोग, इसके बारे में क्या फ़र्क होता है एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर? ना, आपके पहले प्रश्न का उत्तर में मैंने कह दिया था कि आर्ट और कमर्शियल में क्या फ़र्क होता है। मेरा ख्याल है उससे आपको ज्ञात हो गया होगा कि सिनेमा बगैर कला के बनाया नहीं जा सकता। सिनेमा में हमेशा कलात्मकता, क्योंकि किसी भी कला, ये कला है, क्राफ्ट इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, टेक्निक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन अंततोगत्वा जो दृष्टिकोण, जो हम कन्वे करते हैं, उसको कलात्मक जरिए से ही कन्वे करने की कोशिश करते हैं। और ये ही मतलब व्यावसायिक और कलात्मक फिल्मों की में जो है इसके नज़रिए में फ़र्क है। आपने टीवी सीरियल बनाया था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जो काफ़ी मशहूर हुआ। लोग जब भी दिन में सपना देखते हैं तो लोग कहते हैं कि मुंगेरी के सपने छोड़ो, तो मतलब इतना सफल जो सीरियल बना, उसके बारे में आप कुछ बताएं। तो कई बातें थी, एक तो मतलब आम आदमी की बात थी मुंगेरी लाल और की जो कहानी थी, और दूसरी ये भी बात थी कि हम सब अपने जीवन में सपने देखते रहते हैं, क्योंकि अगर सपने ना देखें तो जीवन का जो है सारा एम्बिशन ख़त्म हो जाए, जीवन का लक्ष्य ख़त्म हो जाए। और मुंगेरी लाल हर आम आदमी के लिए एक 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 प्रेरणा स्रोत से बन गए थे। दूसरी बात ये भी है कि मुंगेरी लाल जिन दिनों टेलीविज़न पर आते थे, उन दिनों कोई और दूसरा चैनल नहीं था, एक दूरदर्शन ही था, इसलिए सब लोग देखते थे और सब लोग, पूरा देश जो है उसे सराहा करता था। अब मैं जो बना रहा हूँ नौरंगी लाल के हसीन सपने,
मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल, वो मुंगेरी के भाई छोटे ही हैं मतलब, और विरासत में इनको भी सपने देखने की जो है वो खूबी मिली है, और ये भी सपने देखते हैं और मुंबई जैसे महानगर में तरह तरह के काम करते हैं, और उस बीच में जब भी समय मिलता है, जब भी इनको एक क्यू मिलता है, ये सपने देखने लगते हैं। ये तो एक आम, हर आम आदमी की बात है, जो वास्तविकता में जो नहीं कर पाता, नहीं प्राप्त कर पाता, सपने देख करके उसे पूरा करने की कोशिश करता है। आपके अब तक जो फिल्में बनी उसमें कॉमेडी की झलक काफ़ी कम होती है, मगर सीरियल्स में आपने कॉमेडी का क्षेत्र चुना, इसके बारे में आप बताएंगे? हंसना और प्रफुल्लित होना अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और कॉमेडी जिसे आप कहते हैं, मैं उसे जीवन समझता हूँ। बगैर हंसे बगैर खुश हुए रहना तो बड़ा मुश्किल है। अक्सर फिल्मों में, मेरी फिल्मों में विषय जैसे होते हैं वो थोड़े गंभीर होते हैं, जो बातें कहनी होती हैं वो भारी होती हैं, और उनको हल्का करने के लिए मैं मनोरंजक चीज़ें भी किया करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, हल्की चीज़ों को एंजॉय करता हूँ, कॉमेडी को, इसलिए मैं टेलीविज़न पे कॉमेडी करने की कोशिश करता हूँ। आजकल जो फिल्में बन रही हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये पहले ज़माने के फिल्मों से किसी मायार से कम है या बराबर चल रही है? देखिए, आजकल और पिछले ज़माने में कोई कंपटीशन नहीं है। जिस तरह का समय होता है, जिस तरह का काल होता है, जिस तरह का समाज होता है, जिस तरह की मांग होती है, फिल्में उसी हिसाब से बनती हैं। कुछ समाज सिनेमा को शेप करता है, कुछ सिनेमा समाज के ऊपर में अपना प्रभाव छोड़ता है, और इसके बारे में बड़ा कहना मुश्किल है कि पहले की फिल्म अच्छी थी, आज की फिल्म अच्छी है। फिल्म फिल्म होती है। पहले भी कई फिल्में ख़राब बनती थी और कई फिल्में बहुत अच्छी बनती थी, आज भी कई फिल्में ख़राब बनती हैं और कई फिल्में बहुत अच्छी बनती है। मैं समझता हूँ कि इस तरह का कंपैरिजन जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। आपके कोई फेवरेट डायरेक्टर आज के पहले ज़माने के? बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स की फिल्में हैं। सभी डायरेक्टर सभी समय सारी फिल्में अच्छी नहीं बना सकते, होता भी नहीं है। वही मणिरत्नम कभी बहुत सुंदर फिल्म बना देते हैं और कभी उनकी बात नहीं जम पाती है। वही केतन मेहता, वही सईद, वही सुभाष घई जी, यश चोपड़ा जी, आदित्य चोपड़ा, या अभी करण ने फिल्म बनाई है, ये सब जो भी अच्छा काम लगन से होता है और जो फिल्म अच्छी बन जाती है, क्योंकि हर कहानी अच्छी नहीं बन सकती, हर कथानक बेहतरीन नहीं साबित हो सकता, उसी तरह से हर बार डायरेक्टर जो है वो अपनी कसौटी पे खरा नहीं उतर सकता। कभी बात सही जमती है, कभी नहीं जमती है। मैं समझता हूँ कि फिल्म को आंकना चाहिए, डायरेक्टर तो खैर हर डायरेक्टर अपने हिसाब से पूरी कोशिश करता है कि वो अपनी बात सही कह पाए, अच्छे से कह पाए, खूबसूरती से कह पाए। एज ए डायरेक्टर आपको कौन सा मीडिया ज़्यादा पसंद या फिर आपके स्कोप मिला, टीवी मीडिया, फिल्म्स, फिल्म मीडिया? देखिए, माध्यम तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो एक संपूर्ण अनुभव एक फीचर फिल्म, एक कहानी फिल्म बनाने में जो होता है, एक जो 2.5 घंटे 3 घंटे में एक पूरी कहानी, एक पूरी बात, एक पूरे कैरेक्टराइजेशन के साथ में और पूरे ताम झाम के साथ में जो अनुभूति उससे प्राप्त होती है, वो और किसी मीडिया से प्राप्त नहीं होती। आखिर में हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबको मिलकर एक दूसरे का दर्द समझना चाहिए, एक बेहतर समाज की रचना का प्रयास करना चाहिए, और माध्यम बेहतरीन बन सके, माध्यम हमारा मनोरंजन और हमारे मानसिक विचारों को स्वच्छ रख सके, इसका पूरा प्रयास करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।